जनता पार्टी के नेता गोपाल भार्गव ने झाबुआ में अपने चुनावी भाषण में कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान दिवाली के बाद फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहां पार्टी के युवा सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में यह बात कही, लेकिन बाद में जब मीडिया कर्मियों ने उनसे इस दावे को लेकर बात कही तो वे इससे पूरी तरह मुकर गए और उन्होंने कहा कि यह केवल चुनावी भाषण था, इसका कोई अर्थ ना निकाला जाए। इधर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलम शुक्ला ने भार्गव के इस बयान को लेकर कहा, इससे यह साबित होता है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए महज चुनावी झूठे हथकंडों का इस्तेमाल करती है। अभी तक उसने सभी चुनाव ऐसे ही झूठे हथकंडों से जीते हैं। यही है भाजपा की असली चाल जो अब सामने आया है। इंदौर की एक चुनावी सभा में आज दोपहर में, जैसा कि चुनावी सभा में भाषण होते हैं, संबोधन होते हैं, उसे मेरे द्वारा ये कहा गया है कि यदि आप लोग हमारे उम्मीदवार को समर्थन देंगे तो इस तरह के हम लोग आगे परिवर्तन ला सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए भी कि राजनीतिक सभाओं में, चुनावी सभाओं में ऐसे वक्त पे इसी प्रकार के भाषण, इसी प्रकार के कथन, इसी प्रकार के लोगों के साथ में आश्वासन दिए जाते हैं। इसके लिए किसी प्रकार से ये मान के यदि हम चलें कि हम कोई संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। ना अभी हमारे पास में ऐसे कोई नंबर है, ना संख्या है विधायकों की, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को अभी किसी प्रकार का उस तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सारी बातों का निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वही करता आया है, वही करेगा। तो इस कारण से आधिकारिक रूप से मैं कहने वाला कोई नहीं होता इसको। ये सिर्फ एक चुनाव भाषण के दौरान कहा गया एक वाक्य समझा जाना चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। इन्वेस्टर समिट के बारे में मैं शुभकामनाएं ही दे सकता हूं, लेकिन जैसा पहले की इन्वेस्टर समिट में हुआ है कि हमने देखा कि बहुत लाखों करोड़ रुपए के MOU साइन हुए और इसके बाद में वो मूर्त रूप नहीं ले सके, तो मुझे लगता है कि इसकी गति भी वैसी होना है। यह सिर्फ बेरोजगारों को, नौजवानों को भ्रम में रखने का एक उपक्रम है और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है कि उन्हें रोजगार दे रहे हैं। और मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से और सभी से कहना चाहता हूं कि लाखों पद, सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, पहले उनमें नियुक्तियां करें जो उनके अधिकार में हैं।